रेंट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेवेनी है, सीबीटी स्टाम्प ड्यूटी है। भाई ये मजाक हो रहा है मुल्क के साथ। डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि एनओसी दे दिया जाए, टैक्स लिया जाए और एनओसी दे दिया जाए, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि डेवलपर वो डिलीवर भी करेगा प्रोजेक्ट, या डेवलपर जो हमारा है वो इस तरह ऑनेस्ट है वो चलाएगा? जब आप यही तो इसी को तो निजाम कहते हैं, जब आप टैक्स नेट के अंदर ले आए हैं, डिवेलपर को अपने मातहत ले आए हैं, आपने प्रॉपर्टी का टैक्स वसूल कर लिया है, और आप बताए डिवेलपर डिवेलपर ने फेक फॉर्म्स और फाइल्स के ऊपर थोड़ी टैक्स देना है। ऑन ग्राउंड एक सिस्टम, इसी को कहते हैं सिस्टम, कि भाई जो आपका ऑन ग्राउंड रजिस्ट्री शुदा प्लॉट है, रजिस्ट्री के मुताबिक जितने प्लॉट बनते हैं उनका वन टाइम टैक्स दें और आप बरी उस दिन में। अब कोई नहीं पूछेगा बदले में, आप हमें दें टैक्स, बदले में हम आपको क्या देते हैं, एनओसी देते हैं, आप खुल के काम करें, आपको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। आपको सिस्टम बनाने की जरूरत है, सिस्टम सही करने की जरूरत है। आप मुझे बात बताएं कि जिस तरह मलिक साहब ने बात बिल्कुल सही फरमाई है, दुबई के अंदर या दुनिया, आप मुझे सऊदी अरेबिया के अंदर 15% वैट है, 15% टैक्स, यूके के अंदर 15-20% है, पोर्टुगल के अंदर भी टैक्सेस है। लोगों को चुभता है? नहीं चुभता। क्यों? वो टैक्स देते हैं, बदले में फैसिलिटीज हासिल करते हैं, हुकूमत उनको हेल्थ सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हम हमारी हुकूमत क्या प्रोवाइड कर रही है मलिक साहब? हमारी हुकूमत टैक्स के बदले में क्या प्रोवाइड कर रही है एक आम शहरी को, एक डेवलपर को? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली, फिर एफबीआर के टॉपिक पे हमने आना है जो प्रॉपर्टीज महंगी हुई हैं। रिजवान साहब, 25 करोड़ में से अगर 40 लाख लोग टैक्स देंगे तो क्या 40 लाख जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उससे 25 करोड़ को फैसिलिटी दे दें? अच्छा, आप देते 40 लाख लोग टैक्स है, ठीक है, फैसिलिटीज आप 25 करोड़ वाली मांग रहे हैं, स्कूल भी दें 40 लाख को तो जाती है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।